दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में पुराने सालों के पेपर में हिंदी सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। वीडियो युवा कल्याण अधिकारी, युवा विकास दल अधिकारी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और आगे आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी हमेशा पूछी जाती रही है यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्जाम में, चाहे वो कंडक्टर का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे कनिष्ठ सहायक असिस्टेंट का हो, चाहे या युवा कल्याण अधिकारी विकास दल अधिकारी का हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है हमारे फ्री ग्रुप के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस 2018 को ध्यान में रखकर एक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है ओनली यूपीपीएससी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और उसके अलावा दो पेड कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। पेड टेस्ट सीरीज आती है बीपीएससी और यूपीपीसीएस 2018 के लिए, और पेड ग्रुप भी है यूपीपीसीएस 2018 के लिए। और जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग नया ग्रुप और नई टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। तो अब शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर पहला पेपर हम लोग लेंगे यूपी ट्रिपल एससी का 15 जुलाई में जो हुआ है अभी इसी वर्ष, जो 15 जुलाई का यूपी ट्रिपल एससी लोअर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी सेक्शन इस तरह का पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। इसमें रेखांकित शब्द यानी कि अत्यंत क्या था, अत्यंत को रेखांकित करके आपसे पूछा गया था कि ये पद क्या है। ये पद है क्रिया विशेषण, ठीक है। अब उत से निर्मित शब्द कौन सा है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए थे लेकिन उसमें उच्चारण सही हमको लगाना था। इसकी एनालिसिस वीडियो भी हमने डाली थी, आप चाहिए तो देख लीजिएगा, वहाँ पर 16 जुलाई के करीब वहाँ पर वीडियो पड़ा हुआ है। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द निर्मित होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बचपन कहेंगे। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, आप इसको सही कर लेना। बचपन बनता है पूर्ण शब्द जब हम लोग बच्चा शब्द में पन प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है। बादल फिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है। इसका आंसर हो जाएगा कि ये संयुक्त तो वाक्य है, क्योंकि आप देखोगे कि इसमें दो वाक्य शामिल हैं, एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है, ठीक है। तो प्रधान वाक्य यहाँ पर क्या है, बादल आना और बारिश होना, यहाँ पर ये हमारा आश्रित वाक्य है, यानी कि बारिश होना ये आश्रित है किसके, बादल आने की वजह से, ठीक है। बादल आएंगे तभी बारिश होगी, तो बादल फिर आए यहाँ पर प्रधान वाक्य है और बारिश होने लगी ये गौण वाक्य है। कमल के फूल पर भौंरे मंडराते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा है ये बताना था, ठीक है। तो भौंरे को यहाँ पर अंडरलाइन करके दे दिया था, आपसे पूछा था कि पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो भ्रमर वहाँ पर पर्यायवाची था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप सही कर लेना, यहाँ पर होगा कौन सा पर्यायवाची है। आगे देखते हैं हम लोग, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर डैश थी। यहाँ पर जो अंडरलाइंड शब्द था यहाँ पर वाक्य की पूर्ति करनी थी, तो आप देखोगे कि वाक्य के माध्यम से यहाँ पर अनुरक्ति की बात की जा रही है, इस अनुरक्ति शब्द का विलोम यहाँ पर भरना था इसमें, तो अनुरक्ति का विलोम हो जाता है विरक्ति, तो यहाँ पर विरक्ति आंसर सही है। आज आकाश में डैश छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करनी है, तो आज आकाश में जलधि छाए हैं यानी कि बादल छाए हैं, ठीक है, जलधि। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो यहाँ पर रेखांकित कर दिया गया था जीवन जीने की इच्छा को और हमसे पूछा गया था कि बताइए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिजीविषा होता है, ठीक है, जिजीविषा होता है जीवन जीने की इच्छा। और जिगीषा क्या होता है, जिगीषा क्या होता है कमेंट्स पे लिख करके बताइए आप। इस विद्यालय से दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, तो टेढ़ी खीर को यहाँ पर रेखांकित किया गया और पूछा गया कि इसमें मुहावरा कौन सा है। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य, जो दुर्गम कार्य होता है उसको हम लोग कहते हैं टेढ़ी खीर। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, इसमें रेखांकित किया गया था चरण कमल को, तो यहाँ पर कौन सा समास है चरण कमल में ये पूछा गया, चरण कमल में कर्मधारय समास है, ठीक है। आप इसका विग्रह करिए आपको समझ में आएगा, चरण कमल का मतलब होता है कमल जैसे चरण या फिर कमल रूपी चरण, इस वजह से कर्मधारय समास इसमें लगेगा। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। गंगा तट को यहाँ पर रेखांकित किया गया था, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा यानी कि गंगा का तट, ठीक है। यहाँ पर संबंध बताया गया है, संबंध कारक की विभक्ति लग रही है गंगा का तट। भौंरा का सही पर्यायवाची हमको बताना है, तो भौंरा का सही पर्यायवाची भ्रमर होगा। चार ऑप्शन दिए हुए थे मुझे आज भी याद है, तो उसमें भ्रमर ही सही था, बाकी तीन गलत थे। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, इस रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद क्या है। इसमें मिश्र वाक्य होगा, ठीक है, इसमें मिश्र वाक्य होगा। और वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर सही है,
चार शब्द दिए हुए थे, उसमें स्वातंत्र हमको सही लगाना था। यहाँ पर स्वतंत्र लिख गया है, स्वातंत्र करके था, ठीक है। स्वातंत्र यानी कि संज्ञा का जो शब्द था उसको हमको पहचानना था, स्वातंत्र वहाँ पर दिया हुआ था। आप इसमें भी देखोगे, नीली कमीज वाले छात्र को कलम दे दो, यहाँ पर भी मिश्र वाक्य के अलावा आज्ञावाचक वाक्य भी था, तो आज्ञावाचक वाक्य भी यहाँ पर सही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डालने में कुछ मिस्टेक्स हैं। सघोष वर्ण कौन सा है, यहाँ पर पूछा गया था, सघोष वर्ण यहाँ पर वा है, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन कौन सा है, हा होता है, आप जानते हैं, शा सा और शा के अलावा यहाँ पर हा भी होता है हमारा ऊष्म व्यंजन, यानी कि ऊष्मा निकलती है मुख से इसका उच्चारण करते समय। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य धन उदय, ठीक है, सूर्य धन उदय होगा। इसमें कौन सी संधि लग रही है, संधि कौन सी लग रही है, कॉमेंट्स पे लिख करके बताइए। तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द है अमृत, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, यहाँ पर वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये यहाँ पर ऑप्शंस में से सही था। गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनकी बहुत सारी किताबें हैं, आपको पता हो भी नहीं चाहिए। यहाँ पर कर्म भूमि, रंग भूमि, गबन ये और निर्मला, बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं। मानसरोवर के 8 भागों में इनकी 350 करीब कहानियों का संग्रह है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद यहाँ पर बताना है। तो स्वतंत्रता को यहाँ पर रेखांकित किया गया था, उसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा हो जाती है हमारी स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता, वीरता, ये सब भाव होते हैं, इस वजह से ये हमारी भाववाचक संज्ञा इसमें होगी। हिंदी भाषा की विख्यात बोलियाँ कौन सी हैं, 5 हैं, ठीक है। हिंदी भाषा की विख्यात बोलियाँ हैं 5, मारवाड़ी, कौरवी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी। हिंदी भाषा का प्रथम प्रभाविक ग्रंथ कौन सा है, प्रथम प्रभाविक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई ने लिखा है। हिंदी साहित्य का विभाजन काल क्या है, हमने आपको कल ही वीडियो डालकर बताया है, आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह विभाजन माना गया था। पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल बाद में कहा गया, उत्तर मध्यकाल, जिसको रीति काल बाद में कहा गया, और आधुनिक काल, जिसको महाकाल कहा गया, ठीक है, और गद्य काल भी कहा गया, ठीक है। आधुनिक काल को गद्य काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। क्रिया परक व्याकरण विद कोटि, पक्ष या विकार क्रिया संबंधित कार्य की पूर्णता, अपूर्णता, बारंबारता का संकेतक, जैसा वह गया वह जाता है। चूड़ी अच्छी थी, इसमें थी की क्रिया क्या होगी, योजक क्रिया, ठीक है। थी की क्रिया का प्रकार क्या होगा, योजक क्रिया। मूल अकर्मक धातुओं से जोड़कर प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया की धातुएं क्या होती हैं, साधित सकर्मक धातु होती है, ठीक है, साधित सकर्मक धातु। सारंग लय, सारंग चली की सारंग की ओट, सारंग झीनों पाई के सारंग कई गई चोट में अलंकार कौन सा है, इसमें यमक अलंकार है, ठीक है। यमक अलंकार किसमें आता है, अर्थ अलंकार में आता है, यानी कि इसमें शब्द रिपीट होता है लेकिन हर बार शब्द का अर्थ भिन्न होता है, ठीक है। यहाँ पर कई बार सारंग की आवृत्ति हुई है लेकिन हर बार सारंग का मतलब अलग है। छंद प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, दृष्टांत नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, उसमें दृष्टांत भी दिया था, दृष्टांत अलंकार का टाइप होता है, छंद का नहीं होता है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा है वीभत्स रस का, ठीक है। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, घिन आना, ठीक है, वीभत्स रस का होता है। स्वर संधि के भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है, ध्यान रखें इसको। पथ भ्रष्ट में समास है पथ से भ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। कर्मकार, इसमें विभक्तियां आ जाती हैं यहाँ पर कारकों की, अगर विग्रह करते समय तो होता है हमारा तत्पुरुष समास। इसमें कारक की कौन सी विभक्ति लग रही है, से किससे संदर्भ में है, ये अपदान कारक के संदर्भ में, यानी कि पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग हुआ। अष्ट अध्यायी में समास कौन सा है, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास यानी कि इसमें एक संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा, अष्ट आया है यानी कि 8 अध्यायों का यहाँ पर समावेश। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, 1968 में चिदंबरा के लिए, ठीक है, 1968 में चिदंबरा के लिए। ब्रजभाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है, सौर सैनी से, ठीक है, सौर सैनी अभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ है। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें सबसे नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठतम अपने आप में एक कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इस वजह से यहाँ पर सबसे नहीं आएगा।
ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, इसमें अशुद्ध हमको बताना है। प्रातः काल के समय ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रातः काल का मतलब ही हो जाता है सुबह का समय। ठीक है, प्रातः काल आपने लिखा मतलब सुबह का समय, तो इसमें एक और समय लगाने की जरूरत नहीं है। जब मोहन सभा स्थल में पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। इसमें अशुद्ध शब्द क्या है, यहाँ पर विसर्जन होगा। ठीक है, यहाँ पर विसर्जित होना चाहिए था, यहाँ पर संज्ञा नहीं, यहाँ पर क्रिया आनी चाहिए थी। ठीक है, तो विसर्जित यहाँ पर सही है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। इसमें अशुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध गाय यहाँ पर गलत होगा, गाय का शुद्ध घी ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट आएगा। पत्थर को जोंक नहीं लगती का अर्थ क्या होगा, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि जो जिद्दी होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई उसको कितनी भी सलाह क्यों न दे। ठीक है, विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है, विहंगम दृष्टि का मतलब होता है सरसरी नज़र। ठीक है, और विहंगम का मतलब क्या होता है, विहंगम का मतलब होता है पक्षी। काटो तो खून नहीं का मुहावरा है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ठीक है, पेट्रीफाइड लाइक अ स्टोन, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, पत्थर जैसा बन जाना, भावहीन हो जाना, भाव शून्य हो जाना, एक आंख ना भाना यानी कि बिल्कुल अच्छा ना लगना, उंगली उठाने का मतलब है दोष की ओर संकेत करना। ठीक है, किसी के दोष की ओर संकेत करना। हिंदी आकृति की दृष्टि से क्या है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक है, आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ये पश्च संवृत स्वर है। ठीक है, पश्च संवृत स्वर है। और आ क्या है, छोटा आ क्या होता है, ये अग्रस्वर होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, पूर्वी हिंदी की। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर पांच हमारी उपभाषाएं और उसके अंतर्गत आने वाली 18 बोलियां, ये आपको पता होनी चाहिए। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, इसमें विशेषण हमको बताना है, तो कुशाग्र है यहाँ पर, यहाँ पर विद्यार्थी जो संज्ञा है उसकी विशेषता कौन शब्द बता रहा है, कुशाग्र। ठीक है, तो कुशाग्र यहाँ पर गुणात्मक विशेषण है। रीतिकाल के कवि कौन है, बिहारी लाल, जिनकी रचना है विहार सतसई। ठीक है, भक्तिकाल के कवि कौन से हैं, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ठीक है, मीरा वगैरह। शुद्ध और अशुद्ध शब्द यहाँ पर, तो कवित्री यहाँ पर अशुद्ध होता है, कवयित्री यहाँ पर शुद्ध होता है। श्रुति लिपि यहाँ पर गलत है, श्रुत लिपि यहाँ पर सही होता है। दुष्चरित्र यहाँ पर सही शब्द होता है, और दुष्चरित्र यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर देख लेना आप लोग। और शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का वीडियो भी आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली आज। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हार जाना। ठीक है, ढपोर शंख मुहावरे का अर्थ होता है, जो बेसिर पैर की बातें करता है। ठीक है, आगे है हमारा शीघ्र भेजने की अनुकंपा करें में अशुद्ध शब्द क्या है, शीघ्र भेजने की अनुकंपा होता है, यहाँ पर अनुकंपन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह अशुद्ध है, अनुकंपा यहाँ पर लिखना चाहिए आपको, यानी कि शीघ्र भेजने की कृपा करें, अनुकंपा का मतलब होता है कृपा दया। सबसे सर्वोत्तम में अशुद्ध शब्द क्या है, सबसे। ठीक है, सर्वोत्तम का मतलब ही होता है सबसे अच्छा, तो इसमें एक और बार सबसे सुपरफ्लूअस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कई रेलवे का कर्मचारी भी में अशुद्ध शब्द क्या होगा, कई रेलवे के, ये गलत हो जाएगा, रेलवे के कई कर्मचारी ये होना चाहिए था। सूरदास पटेल से अच्छी राजनीतिज्ञ, ये हमको बताना है कि इसमें अशुद्ध क्या है, तो अच्छी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर सूरदास पटेल की बात हो रही, तो यहाँ पर पुल्लिंग के हिसाब से हम लेंगे विशेषण। आप जानते हैं कि विशेषण संज्ञा क्रिया ये सब हमारे विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हो जाएगा लिंग के कारण, यानी कि इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा अच्छे राजनीतिज्ञ। ठीक है, अब विलोम और शब्द, यहाँ पर उत्तरीय का विलोम होता है, यहाँ पर अघोवस्त्र योग का विलोम होता है, भोग ओजस्वी का होता है, कांतिहीन ठीक है यानी कि ग्लूमी, श्वेतांबर का होता है दिगंबर, यहाँ पर जैन के सेक्ट से मतलब है श्वेतांबर और दिगंबर। कृपण का मतलब होता है कंजूस, और दानी का मतलब होता है जो दान करता है, और ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, ज्येष्ठ का मतलब होता है सीनियर, कनिष्ठ का मतलब होता है जूनियर। शब्द का मतलब शब्द ही होता है, और शब्द का उल्टा हो जाता है पर्यायवाची। चिरंतन का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, और चिरंतन का विलोम यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर क्षणभंगुर। ठीक है, शाश्वत तो इसका पर्याय हो जाएगा, तो ये गलत है। यहाँ पर चिरंतन का मतलब होता है चिर काल तक रहने वाला, कभी जिसका अंत ना हो, और क्षणभंगुर का मतलब होता है क्षण में भंग होने वाला। यहाँ पर शाश्वत नहीं लिखेंगे, अगर शाश्वत लिखेंगे तो शाश्वत इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ना कि विलोम। ठीक है, अनल का मतलब क्या होगा, अनल का मतलब हो जाता है आग। ठीक है, आग का पर्यायवाची होता है अग्नि,
और अनल का उल्टा होना चाहिए था अनिल, अनिल यानी कि वायु, और अनल का आप पर्यायवाची बना सकते हैं, जल का कोई भी पर्यायवाची, ठीक है। आविर्भाव का मतलब होता है उद्भव होना, यानी कि आविर्भाव का यहाँ पर संज्ञा शब्द है उद्भव, ठीक है। और आसक्ति का विलोम हो जाता है अनासक्ति, और आसक्ति का यहाँ पर्यायवाची हो जाएगा अनुरक्ति, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है मेरे ख्याल से टाइपिंग में, यहाँ पर विलोम की जगह कहीं कहीं पर पर्यायवाची भी आ गए, ठीक है। आसक्ति का विलोम होता है अनासक्ति, और आसक्ति का पर्यायवाची होता है अनुरक्ति, ठीक है। मनसिज का यहाँ पर्यायवाची हो जाएगा कामदेव, ठीक है। और रतिपति भी कहते हैं, अनंग भी कहते हैं, सारे पर्यायवाची होते हैं कामदेव के। ऋतुपति, ऋतुपति का यहाँ पर्यायवाची हो जाएगा बसंत मधुमास। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ होता है काम निकलने के बाद सोचना, ठीक है। काम निकलने के बाद ये सोचना कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं खुद ही कर सकता था। रचना स्वरूप की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार हैं? तीन, ठीक है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। और अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार कितने हैं? आठ, ठीक है। विविध, विधिवाचक, निषेधवाचक और आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, ठीक है। हमने सब आपको पढ़ाए हुए हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने प्रकार में होता है? दो प्रकार से, ठीक है। भाव युक्त शुद्ध अनुवाद करना है इसमें, ठीक है। आई वॉज ओवर जॉयड, ठीक है। तो हमको इसका भाव युक्त यहाँ पर करना है, यानी कि हम इसमें इसका जो मूल भाव है उसको स्पष्ट करेंगे और इसके अर्थ को नहीं बदलेंगे और अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई वॉज ओवर जॉयड, यहाँ पर हमने एक मुहावरा ले लिया है, दिल बाग बाग होना, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पावन का हो जाएगा पौ और अन्न, ठीक है। पौ और अन्न हो जाएगा, ठीक है, वन नहीं होगा, पौ और अन्न हो जाएगा यहाँ पर पावन, ठीक है। कौन सी संधि लग रही है इसमें, ये आप कमेंट्स में लिख करके बताएंगे। संधि का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें काफ़ी लोगों ने देखा भी था, बताइए इसमें कौन सी संधि लग रही है। पानी बरस रहा है वाक्य में क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है, यानी कि इसमें कर्म नहीं है, पानी स्वतः बरस रहा है। पानी बरसने का प्रभाव किस पर जा रहा है, वो कर्म यहाँ पर गिवन नहीं है। मुझे में सर्वनाम कौन सा है? उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये सब हमने आपको सर्वनाम के चैप्टर में बताया हुआ है। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी। लालटेन शब्द का वर्ग है विदेशत शब्द, ठीक है, लालटेन हमारा विदेशत शब्द है। यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या है? यशोदा में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि, ठीक है। और कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इसमें कुर्सी शब्द में कारक क्या है? कुर्सी शब्द में अधिकरण कारक है, यानी कि में पर, यानी कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो अधिकरण कारक विभक्ति जा रही है पर में, और पर अधिकरण कारक की विभक्ति होती है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है, यानी कि चार भुजाओं वाला। और तत्सम शब्द तिलक का तद्भव शब्द क्या है? टीका हो जाएगा, ठीक है। अंडे का सहजादा लोकोक्ति का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या होता है? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, ठीक है, तुरंत सोचे तुरंत उत्तर दे सके। हाड़ौती बोली कहाँ की है? ये राजस्थान की है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र, ठीक है, इसको प्रेमचंद जी पूरा नहीं कर पाए थे, उनका निधन हो गया था। अघोष वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण ये होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, पहला और दूसरा अघोष होता है, ठीक है। हमने आपको पांच वर्ग बताए थे, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, ये वर्ग आपको पता होने चाहिए। एक ही समय में वर्तमान को कहते हैं समसामयिक, ठीक है, जिसको हम लोग करंट कहते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, यानी कि समसामयिकी होता है वो। पार्थिव का अर्थ क्या होता है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। अमृत शरीर को जनरली पार्थिव शरीर कहते हैं। पार्थिक और पार्थिव में अंतर है, ठीक है। पार्थिक का मतलब हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो, और पार्थिव का मतलब मृत। उद्दत का विलोम शब्द क्या है? विनीत। और घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गेह हो जाएगा, या तो ग्रह हो जाएगा। शोषक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पोषक, ठीक है। और कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा? आवत हो जाएगा, ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक कौन रहे थे? प्रेमचंद जी। गाजीपुर की प्रमुख बोली क्या है? भोजपुरी। खिड़की किस शब्द का, किस प्रकार का शब्द है? खिड़की हमारा देशज शब्द है, या फिर कह सकते हैं देशी शब्द है। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या है? शंसा पत्र, ठीक है, शंसा पत्र या तो प्रमाण पत्र, टेस्टिमोनियल। वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा? वधुएं। वा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? दंतोष्ठ। बैल न कूदे
कूदे तंगी कहावत का अर्थ है स्वामी के बैल पर सेवक का साहस, ठीक है, स्वामी के बैल पर सेवक का साहस। और राज्यपाल में संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है, ठीक है, नोटिफिकेशन आता है किसी भी जॉब का, यानी कि उसकी अधिसूचना आती है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, इसमें धड़ाधड़ में शब्द का रूप क्या है, धड़ाधड़ यहाँ पर क्रिया विशेषण है, ठीक है, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। राम ने खाना खाया होगा, इसमें खाया होगा की क्रिया क्या है, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य समूह का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसको हम लोग कहते हैं निपात, ठीक है, निपात। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है, संकुचन होता है। कोई आ रहा है, इसमें कोई जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि कोई आ रहा है इसमें कोई का निश्चय नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, एनीवन। सभा के पर्यायवाची शब्द क्या है, बैठक, परिषद, महावर्तन, ठीक है। हथियाना में क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया है, ठीक है, नाम धातु क्रिया। और जो संज्ञा से क्रिया बनती है उसको हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम से जो क्रिया बनती है उसको हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या है, भू और ऊर्ध्व, ठीक है, इसमें कौन सी संधि लग रही है, इसमें दीर्घ संधि लगी हुई है, ठीक है, इसमें दीर्घ संधि लग रही है। भरोसे में शब्द का रूप क्या है, संबंध बोधक है, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है, उत्चारण हो जाएगा, ठीक है, उत्चारण। नाक का बाल होना मुहावरा क्या होता है, अकारण प्रिय होना, ठीक है, नाक का बाल यानी कि अकारण प्रिय होना। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है का संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, वह पंडित है किंतु हठी है, ठीक है, वह पंडित है किंतु हठी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है, 33, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 14 सितंबर को, हमेशा, ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, और दो शब्दों से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। और खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होता है, खूंटियां होता है, ये यूपीपी में पूछा गया था। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है, सत्य और आग्रह, ठीक है, सत्य यहाँ पर गलत है, सत्य धन आग्रह हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि लग रही है, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, यानी कि शब्द के पहले होता है, प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के बाद में। मिठास में प्रत्यय क्या है, आस हो जाएगा, ठीक है, मिठास में प्रत्यय लगता है आस। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण होता है, द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है। राजपुत्र में समास है राजा का पुत्र, यानी कि तत्पुरुष समास इसमें लग रहा है, संबंध कारक विभक्ति लग रही है का की के, ठीक है, संबंध तत्पुरुष है ये। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो इंद्रजीत होता है। उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति कुलीन कहलाता है, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। समान वर्ण में पैदा होने वाला सवर्ण कहलाता है। हिंदी शब्दकोश में क्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, का के बाद, मतलब का उसमें आता है, हिंदी शब्दकोश में क्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, का के बाद। अक्ल का दुश्मन क्या होता है, महामूर्ख। खग जाने खग की भाषा, इसका अर्थ क्या होता है, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है। और किस रस को रसराज कहते हैं, श्रृंगार रस को, ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, रसपति कहते हैं, प्रधान रस कहते हैं, ये सब चीज़ें इसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें दो फेज होते हैं श्रृंगार रस के, एक वियोग रस होता है, एक संयोग रस होता है, सब चीज़ें हमने आपको रस के चैप्टर में बताई हुई हैं। जिस छंद में चार चरण व प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस छंद को चौपाई छंद कहते हैं, ठीक है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीर, रैदास आदि। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, हिंदी को, ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि में, और हिंदी अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप स्वीकार किया गया है, आर्टिकल 351 में बताया गया है, ठीक है। और कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। धीरे धीरे में समास है अव्ययी भाव समास, ठीक है। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, इस लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी बगारना, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। बागेश्वरी का पर्यायवाची है सरस्वती, भरती, शारदा, वाग देवी, ठीक है।
और तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है, में अलंकार है, यमक अलंकार, ठीक है, शब्द अलंकार है इसमें। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इसमें किस प्रकार का वाक्य है? इसमें मिश्र वाक्य है, ठीक है। विशेष लक्षणों से युक्त को क्या कहते हैं? विलक्षण कहते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको अनुपम कहते हैं, और लोक से परे जो होता है उसको हम लोग लोकातीत कहते हैं, ठीक है, लोक से परे यानी कि लोकातीत। और जंगल में लगने वाली आग को हम लोग दावाग्नि या तो दावानल कहते हैं। दावाग्नि में दो शब्द हैं, एक दाव है और एक अग्नि है, यहाँ पर दीर्घ संधि से हम लोग बना देते हैं दावाग्नि, ठीक है। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है सबसे निराला। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? सीता जी को। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, ठीक है, प्रिय प्रवास। अतः शब्द का समानार्थी क्या होता है? अतएव, ठीक है, अतएव। विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? वैचारिक। वृक्षों से पत्ते गिरती हैं, इसमें कारक क्या है? अपादान कारक है, ठीक है, यानी कि वृक्षों से पत्ते अलग हो रहे हैं, ठीक है, अपादान कारक। और बुढ़ापा शब्द में संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आँखों वाली स्त्री। संपन्नता का विलोम होता है निर्धनता। अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द होता है अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। और जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण का कह सकते हैं टाइप है, विशेषण है, ठीक है, यहाँ पर विशेषण है। और लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? एरा। और निसंकोच में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निह है, ठीक है, निह और संकोच बनकर के मिलता है निसंकोच। और पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुयायी या तो अनुगामी। आधिव्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ क्या होता है? मानसिक कष्ट, ठीक है। और काटना शब्द का तत्सम रूप है कर्तन, ठीक है, कर्तन होता है काटना। कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। आठ कनौजिया नौ दूल्हे लोकोक्ति का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होता है उत्श्वास, यानी कि ऊपर जाने वाली श्वास, जो सांस हम ऊपर खींचते हैं, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन है यहाँ पर क्ष, त्रा, ज्ञ और श्र, चार होते हैं, ठीक है, चार संयुक्त व्यंजन एक्सिस्ट करते हैं यहाँ पर। और दो व्यंजनों से मिलकर जो बनते हैं व्यंजन उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और कौमुदी का पर्यायवाची है यहाँ पर चांदनी, ज्योत्सना, जुन्हाई। सकल शक्ल का अर्थ होता है संपूर्ण और अंश, ठीक है, सकल का मतलब होता है संपूर्ण और शक्ल का मतलब होता है अंश। किसी कथन पर सहमत होने का मतलब होता है सहमति देना। माटी की मूर्तें रचना की साहित्यिक विधा क्या है? रेखाचित्र। माटी की मूर्तें क्या है? रेखाचित्र है, ठीक है, रामेश्वर, राम वृक्ष बेनीपुर की है। पूर्वी हिंदी की बोलियां क्या क्या हैं? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। भारतेंदु हरिश्चंद्र का बांग्ला भाषा में अनुदित नाटक कौन सा है? विधा सुंदर, विधा सुंदर। और शाहजहां ने किस कवि को महाकालिदास की पदवी दी थी? सुंदर को। सुंदर ग्वालियर के ब्राह्मण थे, दरबार में रहते थे शाहजहां के, इसको महाकालिदास की पदवी दी थी इन्होंने। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास, नानक, रैदास, दादूदयाल, सूरदास और मलूकदास। जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं भट्ट केदार। मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग से, ठीक है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई, ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, मैं कारक बताइए, इसमें करण कारक होगा। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? ये अलुक तत्पुरुष का है, ठीक है, अलुक तत्पुरुष। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, कौन सा अव्यय है इसमें? कारणवाचक अव्यय है। रौद्रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, हम जानते हैं। और शस्त्र शास्त्र का संधि विच्छेद यहाँ पर है सत शास्त्र, ठीक है, सत शास्त्र का यहाँ पर संधि विच्छेद है सत और शास्त्र। और किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलिया का, ठीक है, कुंडलिया में छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक ही होता है। कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव, ठीक है। जब पढ़कर क्या होगा? वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है, पढ़कर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया है। कंठ, तालु, बेजीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं? ए और ए, ठीक है, कंठ तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले यहाँ पर व्यंजन हैं ए और ए। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का।
निष्कलंक की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, मतलब संधि शब्द क्या हो जाएगा, निष्कलंक। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या कहलाता है, अन्नवागत कहलाता है, अन्नवयागत। अवनि का विलोम शब्द क्या होता है, अंबर होता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने हैं, चार होते हैं, चाहे ऊष्म बोलिए चाहे संघर्षी, एक ही बात है। और अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, देशांतर में समास है कर्मधारय समास, और निर्धन का संधि विच्छेद हो जाएगा निधन। ठीक है, विसर्ग संधि यहाँ पर यूज होगी। ठठेरे का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ठठेरिन। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। ठीक है, मैं खाना खा चुका था में भूतकालिक भेद क्या होता है, पूर्ण भूत। ठीक है, और राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित शब्द में कारक क्या है, जिसमें को यहाँ पर रेखांकित किया गया होगा, तो कारक क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें संप्रदान कारक लगेगा, भले ही कर्म कारक की विभक्ति होती है को, लेकिन इस वाक्य के अनुसार जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार संप्रदान कारक ही लगेगा। ठीक है, वैसे कभी कभी जैसे हमने आपको कारक के चैप्टर में बताया था, कभी कभी संप्रदान कारक की विभक्तियाँ कर्म कारक से एक्सचेंज होगी, कभी कर्म कारक की विभक्तियाँ संप्रदान कारक की जगह पर आएगी। खिजियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ होता है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है, वह अगले साल आएगा, वाक्य में कारक क्या है, अगले साल आएगा मतलब अगले साल में आएगा, यानी कि इसमें अधिकरण कारक होगा। ठीक है, कारक की विभक्ति मिसिंग है तब भी हम यहाँ पर पहचान सकते हैं कि वह अगले साल में आएगा, यानी कि अधिकरण कारक। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को बहुत ही कम खाना देना। जूते चाटने का अर्थ होता है खुशामद करना, गुलामी करना। रीति अनुसार में संधि विच्छेद हो जाएगा, रीति और अनुसार। ठीक है, इसमें कौन सी संधि लग रही है कमेंट्स में लिख करके बताइए। मैं संधि का टाइप नहीं बता रहा हूँ, पूरा 53 मिनट का वीडियो बनाया गया था, अगर किसी ने मिस कर दिया तो उसको देख लेना। ठीक है, और किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है, सहायक। ठीक है, असिस्टेंट। भला चाहने वाला क्या कहलाता है, हितैषी। जिसका नित्य प्रयोग किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायोगिक। मूढ़ चेता का अर्थ होता है मूर्ख। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची। ए बतिया सुनि रूखी में रस कौन सा है, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, यहाँ पर गोपियाँ बता रही हैं श्री कृष्ण के बारे में, और श्री कृष्ण और गोपियों में यहाँ पर डिस्टेंस है, यानी कि नायक और नायिका अलग अलग हैं, तो यहाँ पर वियोग रस होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी होगा। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है यमक अलंकार। चाकू का बहुवचन है चाकू ही। ठीक है, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। त्रिवेणी शब्द में समास होता है द्विगु समास, और पार्श्विक व्यंजन है हमारा ला। और भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, राजा राम मोहन रॉय ने, बहुत बार ये पूछा गया है। देव जो महान है में समास है कर्मधारय समास। ठीक है, और योगदान में समास है तत्पुरुष समास। ठीक है, यानी कि योग का दान। हर समय अपना मतलब जो चाहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। मर्यादा किस युग की पत्रिका है, ये द्विवेदी युग में लिखी गई थी। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई चली गई में अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार। ठीक है, क्योंकि इसमें सा सी से समसरीस का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं में अलंकार कौन सा है, दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार। अलंकार का चैप्टर अभी हमने शायद नहीं पढ़ाया, वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में लिख करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो हम प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, आप जितने भी चैप्टर्स नहीं पढ़ पाए हैं मेरी प्लेलिस्ट से उसको आप देख लेना। हिंदी व्याकरण का पूरा कोर्स चल रहा है, कल साहित्य का वीडियो आया है, आज हम लोग वाक्य शुद्धि का वीडियो कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और ऐसे हिंदी व्याकरण को पूरा करेंगे, विकास दल अधिकारी से पहले पूरा करेंगे। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है केवल, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ओनली UPPSC को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हम लोग दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।